यहां मैं बता दूं और पूरे चैलेंज से बता रहा हूं कि राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। पुष्प मित्र सुंग नाम का ब्राह्मण जो बृहदत्त मौर्य भारत के लास्ट राजा की हत्या करने वाला, उन्होंने ही राम, वही राम है और उन्होंने रामायण लिखवाया वाल्मीकि नाम के ब्राह्मण से। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर जय भीम। सर मेरा क्वेश्चन आज आपसे यह है कि सर इसी महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है सर, और लोगों को लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं, तो सर आप जाएंगे कि नहीं उद्घाटन में, क्योंकि आपके पीएम भी आ रहे हैं उद्घाटन करने सर। ऐसा न भैया कि उद्घाटन दुनिया कर रहे है, वहाँ केहू आवे, पिया मामा सिया मामा डिया मामा है जी, लेकिन हम गधे नहीं है। एक चीज आप जान लीजिए पूर्ण रूप से जी, मंदिर के उद्घाटन का क्या मतलब है? मंदिर के उद्घाटन से देश को क्या मिलेगा जी? वहां विद्यालय का उद्घाटन हो, विश्वविद्यालय का उद्घाटन होता, हॉस्पिटल का उद्घाटन होता, किसी बड़े लैब का उद्घाटन होता, किसी बड़ी कंपनी का उद्घाटन होता, तब वहां हम जाते हैं। वो मंदिर इस देश में पिछड़े समाज को गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ी कंपनी वो बनाई जा रही है जी। मंदिर से विद्वान पैदा नहीं होता है, मंदिर से गुलाम पैदा होता है। ये बड़े बड़े जो मंदिर बनाते हैं सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि जितनी यहां आएंगे ये न अपने शिक्षा के बारे में सोचेंगे, न सम्मान के बारे में सोचेंगे, न ही अपने स्वाभिमान के बारे में सोचेंगे, ये केवल भगवान के बारे में सोचेंगे, जिसकी कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है। तो इसलिए मैं उस मंदिर के उद्घाटन में जाने वाला नहीं हूं। यहां मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी मोछ रख के बड़े बड़े नेता ताक रहे हैं कि हमको न्योता आएगा कि नहीं जी। आएगा तो हम भी जाएंगे जी। तो मंदिर में जाने वाले जो ललायत है वो सबसे बड़े मनवादी मानसिकता के गुलाम लोग हैं। जो व्यक्ति थोड़ा भी तर्कमान है, थोड़ा भी विद्वान है, थोड़ी भी सोच है शिक्षा की उसके अंदर, वो मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएगा। अरे यार, आदमी विद्वान विद्यालय से होता है, मंदिर जानते हैं क्या पैदा करता है? मंदिर से केवल भिखमंगा पैदा होते हैं। तो भारत को पूर्ण रूप से भिखमंगा बनाने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि जितनी लोग मंदिर में जाएंगे, मंदिर पर भरोसा करेंगे, भगवान पर भरोसा करेंगे, वो शिक्षा पर भरोसा नहीं करेंगे। मगर सर उसमें कई लोगों को रोजगार भी मिला है, उसका भी जैसे नौकरी के लिए आवेदन करना पड़ता है, तो उसको उसमें जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, तो उसमें जो नियुक्ति उनकी हुई है उन लोगों को भी वो परीक्षा हुआ है सर, तभी नियुक्त किए गए हैं। उनकी परीक्षा हुई है और वो परीक्षा पास किए हैं जी, लेकिन वो परीक्षा सिर्फ ब्राह्मणों की ही हुई होगी जी। 2000 में अहिर कोनो परीक्षा देवाना बैठा जी सर, एक ब्राह्मण उसमें कोई चमार नहीं बैठा होगा, उसमें कोई चमार नहीं बैठा होगा, उस परीक्षा में बैठने का अधिकार किसी कुर्मी गणेरी को नहीं रहा होगा, उसमें किसी राजभर को बैठने का उस परीक्षा में अधिकार नहीं रहा होगा, केवल ब्राह्मण ही वो परीक्षा देंगे और ब्राह्मण ही केवल उसमें बैठेंगे, और उनकी तनख्वाह भी 60-70 हजार है। मने मैं ये सोच रहा हूं, मुझे बड़ी हिंता आती है कि भारत हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, पीएम बनते हैं तो संविधान की सौगंध लेते हैं कि मैं जब तक इस कुर्सी पर रहूंगा संविधान के सारे नियमों का पालन करूंगा, ये कह के जाते हैं जी। उस परीक्षा में, उस शपथ में मैं ये कह रहा हूं कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है,
संविधान में सारे धर्मों को अस्तित्व दी गई है, संविधान में सारे धर्मों का सम्मान करने का अधिकार दिया गया है। तो मोदी जी मंदिर का उद्घाटन कर लें, इस देश में मुसलमान भी हैं, मोदी जी कितनी मस्जिद का उद्घाटन किए, कितनी चर्च का उद्घाटन किए, कितनी गुरुद्वारा का उद्घाटन किया, मोदी जी ये भी बताएं। क्यों केवल मोदी जी मंदिर का ही क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? अगर संविधान की शपथ लेकर के मोदी जी पीएम बने हैं, मोदी जी में हैसियत है, अहमियत है, तरीका है, पढ़े लिखे हैं, सच्चे राजनेता अगर पूरे भारत को जोड़ना चाहते हैं, भारत को लेकर चलना चाहते हैं, तो मोदी जी इस बात को बताएं कि केवल मंदिर का उद्घाटन क्यों करते हैं, ये मस्जिद का उद्घाटन क्यों नहीं करते हैं? क्या भारत में मुसलमानों को रहने का अधिकार नहीं है? सिखों को रहने का अधिकार नहीं है? ईसाइयों को रहने का अधिकार नहीं है? जब संविधान की आपने शपथ ले लिया, संविधान सबके अधिकार की बात करता है, तो आप केवल मंदिर की बात क्यों करते हो? और जो देश का राजा है वो पत्थरों का उद्घाटन करके देश के और देश के समाज को, यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को ये क्या बताना चाहते हैं? ये जानते हैं कि पूरे भारत के लोग पशु हैं, केवल हम ही एक इंसान है? अरे यार सुनो सुनो बाबू, मेरी बात सुनो। मोदी जी शायद महसूस नहीं करते होंगे, इस देश में अब तक आजादी के बाद जितने पीएम बने, कहीं ना कहीं एक सिस्टम के गुलाम तो सारे लोग थे, लेकिन मोदी जी तो इतने गुलाम हो गए। इस धरती पर मोदी जी 1000 साल नहीं रहेंगे, ये धरती का नियम है आना और जाना। तथागत बुद्ध कहे थे कि मानव जीवन 3 सूत्रों में बंधा है, एक जन्म, दूसरा मरण, तीसरा जीवन। जन्म हो चुका है, मरण सुनिश्चित है, जीवन चल रहा है। तो जो मानव अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाया, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, वो पशुओं से भी बदतर है। बताइए, अभी एक कानून लेकर के आए हैं कि गाड़ी से जो एक्सीडेंट होगा तो 5 लाख जुर्माना लगेगा ड्राइवर पर और 10 साल की सजा। मैं तो कह रहा हूं कि कानून बना दो कि भारत से पूरी गाड़ियां ही रोक दो, भारत में गाड़ी चले ही ना, सारे लोग पैदल चलो, और आप भी अपना विमान हटाओ, आप भी पैदल चलो। अरे गाड़ी है, ब्रेक फेल होगा, स्टीयरिंग फेल हुई, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी लड़ सकती है, उसमें गाड़ी का दोष है कि गाड़ी चलाने वाले का दोष? अगर ब्रेक फेल हो गया तो ड्राइवर दोषी है, स्टीयरिंग फेल हो गई तो ड्राइवर दोषी है। तो ये लोग केवल पूरे भारत के लोगों को पशु बनाने के लिए पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। मगर सर पूरे अखबारों में लिखा आ रहा है कि भारत का नव निर्मित निर्माण हो रहा है। नव निर्मित नहीं, पूरे भारत को पशु बनाया जा रहा है, यह नव निर्मित निर्माण बाबू। भारत को पहले इस देश में भारत के लोगों को शिक्षा पर जोर दिया जा रहा था कि भारत में शिक्षा कमजोर है। जब यहाँ का हर युवा, हर बेटियां, हर महिलाएं, सारे लोग जब पढ़े लिखेंगे तब भारत का विकास होगा। और नव निर्माण ये है कि भारत में सारे लोगों को शिक्षित बना दो, सारे लोगों को पशु बना दो, सारे लोग गोबर के गौरी गणेश पर ही भरोसा करें। आदमी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपने इतिहास को कभी भविष्य में तलाशने का नाम न ले, ऐसा भारत बनाओ। मोदी जी इतनी बड़े झूठे हैं, इतने बड़े झूठे हैं कि जिनको महाझूठा कहा जाता है, झूठों का राजा। और हमारे संस्कार में क्या कहा जाता है कि झूठ बोलना महापाप है। मैं नहीं ना कहा हूं कि 15 लाख रुपया दूंगा
न इस बात को नरसिम्हा राव जी कहे, न इस बात को राजीव गांधी कहे, न इस बात को इंदिरा गांधी कहे, न इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी कहे, कोई नहीं ने कहा कि देश के लोगों को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। ये बात तो मोदी जी कहे, तो पैसा क्यों नहीं देते? इनके रिश्तेदार लेकर के हजारों करोड़ रुपया अमेरिका चले गए, नीरव मोदी, विजय माल्या, उनका पैसा इन्होंने माफ कर दिया, उठा के महंगाई इस देश के गरीबों पर लाद दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई बहना भारत बदल रहा है। भारत बदल क्या रहा है? मोदी जी भारत के इतिहास में कैसे प्रधानमंत्री हुए कि मोदी जी जब धरती को अलविदा करेंगे तो सदैव भारत के इतिहास में काली अक्षरों में लिखा जाएगा कि इतना छोट विचार का पीएम भारत में कैसा आया था कि देश को बेच दिया। मैं सुना था भाषण कि मैंने चाय बेचा था लेकिन देश नहीं बेचा था। कांग्रेस में इनकी में बहुत अंतर नहीं है लेकिन कांग्रेस में फिर भी एक तहजीब थी। कांग्रेस ने कभी ट्रेन नहीं बेचा, कांग्रेस ने लाल किला नहीं बेचा, कांग्रेस ने बिजली विभाग नहीं बेचा, कांग्रेस ने शिक्षा को कमजोर किया लेकिन बेचा नहीं। ये कहां पहुंचा दिए इसको? तो सवाल सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे समाज में एक सबसे बड़ी बीमारी है। हमारे समाज को 6 चीजों से डर है जी। एक शराब, वरदान, अगला जन्म, पिछला जन्म, स्वर्ग और नरक। इस देश का 52% ओबीसी समाज केवल इसी 6 चीजों में अब तक भरम रहा है। न अगले जन्म को कोई जाना, न पिछले जन्म को कोई जाना, न शराब से अब तक किसी का उखड़ा है, न वरदान से किसी का कुछ बना है। स्वर्ग है कहां, स्वर्ग में गया कौन, स्वर्ग का संदेश कैसे मिला है कोई पता नहीं। लेकिन ये समाज बेचारा सब कुछ छोड़ करके अब तक इसी में है, इसलिए ये समाज पीछे है। और इसलिए अयोध्या में वो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है कि ये मंदिर जब बनेगा तो लोग देखेंगे, राम पर उनकी आस्था जाएगी, तब लोगों को भरोसा होगा कि राम की मां मुंह से खाई थी तब राम पैदा हुए थे। जी सर, ये संदेश मैं पूछना चाहता हूं इस देश के सबसे बड़े धर्मगुरु से, सबसे बड़े शंकराचार्य से, सबसे बड़े साइंटिस्ट से और माननीय मोदी जी से कि अगर ये सत्य है तो सत्य साबित करने की हैसियत किसकी है कि मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाएगी कि गर्भाशय में जाएगी। जी सर, एक वो सनातनी है, वो भी सनातन को ही मानते हैं, उनसे मैं पूछा कि श्री रामचंद्र जी अगर मांसाहारी नहीं थे तो हिरण को क्यों मारे? तो बताए कि रामायण के लास्ट में बताया गया है कि राम से वही गलतियां हो गई। अच्छा जी, वाल्मीकि रामायण में लिखा कि जब सीता वन के लिए चली तो सीता सरजुजू में जी मनौती मान के गई थी जी कि जब मैं वन से वापस सकुशल आऊंगी तो 21,000 गांवों की बलि दूंगी जी। राम से एक गलती हो गई कि हिरण को मार दिए, बाली को किसने मारा था, शंभुक ऋषि को किसने मारा था? यहां मैं बता दूं और पूरे चैलेंज से बता रहा हूं कि राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। पुष्प मित्र सुंग नाम का ब्राह्मण जो बृहदत्त मौर्य भारत के लास्ट राजा की हत्या करने वाला, उन्होंने ही राम, वही राम है और उन्होंने रामायण लिखवाया वाल्मीकि नाम के ब्राह्मण से। और उसके बाद आके बाद में तुलसीदास ने उसमें कुछ संशोधन किया है, यही सत्य है। लेकिन यहां तो लोगों को एकदम पशु पशु से भी बतर है। यहां इंसान जो अच्छा अन्न खाते हैं, सही और गलत की सोच रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी बुद्धि भी एकदम हनन हो गई है। को आज भी वही मान रहे हैं माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा का मतलब क्या होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शंभु की हत्या किए क्योंकि ये कि वो पिछड़े समाज को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे।
केवल गलती उनकी यही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाली की हत्या किए, क्यों किए? क्योंकि दो भाइयों में झगड़ा थी, अब प्रॉपर्टी के लिए थी कि वो झगड़ा बीबी के लिए थी, ये तो उनका मैटर था। तो जो मर्यादित व्यक्ति है वो दो लोगों की समझौता कराता है, उसमें एक की हत्या नहीं करता है। राम ने रावण की हत्या किया, लंका में लाखों की हत्या की। चूंकि ये सारी कहानी मनगढ़ंत कहानी है, मैं इन कहानियों को मानता नहीं, लेकिन उनका रामायण ही उनको दोषी बना रहा है, उनकी गढ़ी हुई कहानी उनको दोषी बना रही है। रावण कौन था? ये कहते रावण के 10 मुड़ी, सम्राट अशोक से लेकर बृहदत्त मौर्य तक जो 10 राजा थे, इन राजाओं के बीच में कभी ब्राह्मणों की एंट्री नहीं हुई। ये 10 राजा बौद्धिष्टि राजा थे, ये 10 राजा बुद्ध को मानते थे, बुद्ध विचारधारा को मानते थे, भारत में समानता और समता पैदा करते थे, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भारत में लड़ाइयां नहीं थी। ये राजा ये सब सजा करके रखे थे, लेकिन पुष्प पवित्र सुंग नाम का ब्राह्मण जब बृहदत्त मौर्य को मारा, तब से इस देश में पाखंड पैदा हुआ, इस देश में जातियां पैदा हुई, इस देश में धर्म मजहब पैदा हुआ, और बना के एक दूसरे में सबको लड़ा करके, इसमें झूठी कहानियां सब रामायण में, भागवत में, महाभारत में, सब पर मैं कह रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जज जब पद ग्रहण करता है तो संविधान की कसम खाता है, लेकिन जब न्याय का मामला खड़ा होता है तो वहां गीता की कसम खिलाते हैं। क्यों भाई? फिर गीता का कसम का क्या मतलब है? आप तो मलाई छांट लिए संविधान के नाम पर, न्याय देने जा रहे हैं गीता के नाम पर। गीता के न्याय का मतलब कि आप झूठ बोलो चाहे सत्य बोलो, उसका कोई मतलब नहीं है। संविधान की कसम खा करके अगर आप झूठ बोलते हो तो आप सजाई बनोगे। न्याय देने वाला संविधान की कसम लेकर के बैठता है, और जो न्याय पाने की जरूरत है उसे गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है। अब ये बताइए कि इस देश में लोग कहते हैं कि ये देवताओं का देश है, तो जब देवताओं पर कोई टिप्पणी करता तो थाने में क्यों जाते हैं? जी, थाने में जाने का क्या मतलब है? ये कह दिया गया देवताओं से कह दो ना कि आदमी आपका विरोध करा, इसको मुआ दो, इसको संपत्ति विहीन कर दो। जी। इनके राम को भी न्याय बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से मिला, तब वहां वो मंदिर बना रहे हैं। लेकिन वहां बाबा साहब अंबेडकर की कोई अस्तित्व नहीं है, वहां राम की अस्तित्व ये भारत में कायम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब ये समाज जग चुका है, अब ये समाज जान चुका है देवी देवताओं की, राम की, सीता की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, ये सबकी शब्दावली इस देश के लोग सबका अर्थ समझ चुके हैं। जो कुछ बाकी हैं वो लगातार अध्ययन कर रहे हैं समझने के लिए। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।